पिछले कोविड के अंदर ये हमने 97 लोगों की अस्थियां भी सीमापुरी शमशान घाट है, वहाँ शंटी जी है, वहाँ पर वहाँ बहुत से लोग जो है ना वो बॉडी छोड़ छोड़ के गए, अस्थियां भी लेने नहीं आए। कभी ऐसा हुआ कि ज़्यादा मात्रा में कॉल आया हो कि भाई हमें यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, तो कभी किसी को ला तो नहीं करी आपने? हम तो इंतजार में रहते हैं। अच्छा, हम तो इंतजार में रहते हैं, दिल्ली में कहीं से भी कॉल आए। ये जो नाम आपने सोचा श्री महाकाल रसोई, ये कैसे आपके माइंड में आया और ये जो ड्रेस कोड आपने तैयार किया इसके बारे में बताइए। ज़्यादातर जो है ना सारे हमारे जितने भी यार दोस्त हैं सब महाकाल जी के बारे में। खाना भी यहीं तैयार होता है? हाँ, खाना भी, सब्जियाँ सारी यहीं पे सब ही सब। अलग से लेबर आपने बुलाते खाने के लिए या सब? नहीं नहीं नहीं, सब हम लोग खुद ही बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या, हेल्पिंग सनी आर्या से। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर से एक प्यारी सी सेवा करने के लिए निकल गए हैं हम। सुबह उठा था तो देखा मीडिया में, NDTV चैनल लगा रखा था पिताजी ने, उसमें देखा कि 12 से 15 लोगों की टीम शाहदरा में जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बहुत सेवा कर रही है। श्री महाकाल करके उन्होंने सेवा स्टार्ट करी है, श्री महाकाल रसोई करके। जैसे आपके भाई ने देखा कि बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे वो सेवा कर रहे हैं, दिन रात दो टाइम का खाना खिलाते हैं, इतनी परेशानी में, इतनी बड़ी बीमारी के अंदर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं, तो आपसे आपके भाई से देखा नहीं गया। आपका भाई निकल चुका है शाहदरा, अभी रास्ते में हम पानी की बोतलें लेंगे और आटे की थैलियाँ लेंगे और वहाँ डोनेट करने जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना, जिन्होंने महाकाल रसोई स्टार्ट कर रखी है उनकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, आपको डर लगता है, तो आप बस इतना कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। जिसको डोनेट करना होगा सीधा श्री महाकाल सेवा डोनेट कर सकता है, मैं वहाँ जाकर उनका पेटीएम नंबर दे दूँगा, गूगल पे नंबर दे दूँगा। आप वीडियो को शेयर करना अच्छे से, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है, कई लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं बिना ये सोचे कि भाई मेरे परिवार को कुछ हो जाएगा, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, नहीं। वीडियो को शेयर करना, वीडियो शेयर करोगे इनकी जो सेवा है करोड़ों लोग देख पाएंगे, इनकी अच्छे से मदद कर पाएंगे, इनको समझ पाएंगे, जिन्होंने डोनेट करना होगा सीधा इनके अकाउंट में कर सकेंगे। 5 किलो और 10 किलो की है। 5 किलो कितने की है? ये दे दो, सारे पैकेट दे दो। ये कितने का है? ये हाँ, ये 168 रुपये का होता है ना, दे दो। एक ये दे दो, देते रहो, ये भी दे दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और पैकेट दे दो, 5 किलो वाले कितने हैं? और लियो, ये कौन सी है? ये नेचर फ्रेश। ये और लियो, गाड़ी में रखवा दोगे ना सर? हाँ। बस बता दो कितने पैसे हो गए। निकाल के रखते रहो, 1, 2, 3। एक मक्खन का पैकेट, एक ब्रेड का पैकेट, एक ब्रेड का पैकेट है, मक्खन का पैकेट दे रहे, दोनों दे दो। यही चाहिए ना आपको? बंटी जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाएं। बहुत बढ़िया। जब देखा मैंने उन सब चीज़ों को तो बड़ा अच्छा लगा कि एक भाई साहब टीम के साथ एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं जहाँ पर वो अपने परिवार को नहीं देख रहे कि मतलब मेरे परिवार में किसी को कोरोना हो जाएगा, या कोई डर नहीं है, कोई शिकन नहीं है, लेकिन सेवा में लगे हुए हैं, तो
तो सर ये इतनी बड़ी आस्था और इतना जनता से प्रेम और इतना भाव के साथ काम करना, कब से शुरू किया सर आपने ये काम? और मन में कुछ आया नहीं कि यार नहीं मेरा ही परिवार है, मैं क्यों बाहर निकलूं, मैं क्यों सेवा करूं? जब कोविड की फर्स्ट लेयर जब आई थी उसमें दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा खाने पीने की लोगों को जी, तो जब हमने सारे यार दोस्त थे लॉकडाउन में लग गया था, सब खाली भी थे, तो फिर इस सब ने बैठ के फैसले किया कि यार कुछ काम ही कर लो, ओके, थोड़ी सेवा ही कर लो। उससे पहले हम करीब 17-18 साल से हम डाक तावड़ लाते हैं, ओके, तो टीम हमारी बनी बनाई है, सब ने थोड़े थोड़े अपना पैसे मिला, ठीक है, मिला के हमने फर्स्ट लेयर के अंदर हमने 51 दिन खाना वो जारी रखा। हाँ, जारी दो टाइम का, दोपहर का और रात का, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकंड लेयर आई, सेकंड लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी दो पेशेंट जो थे। सेकंड लेयर के अंदर हमने फिर कोविड पेशेंट जो थे ना सिर्फ उन्हीं को ही हमने फिर खाना दिया, उसमें उनकी लोकेशन मंगा लेते थे हम, और जो कोविड की रिपोर्ट जो है उनकी व्हाट्सएप पे, ये मेरा नंबर है, ये सर्कुलेट था सब ना, ठीक है, उस पे तो कुछ एरिया था या कहीं पर भी आप? हम कहीं पर भी। अच्छा, कहीं पर भी कुछ, कोई खाना बनाता है, कोई मैनेजमेंट देखता है। अच्छा। कोई खाना बांटता है, पैकिंग करते हैं, सभी सभी अलग। जो नाम आपने सोचा श्री महाकाल रसोई, ये कैसे आपके माइंड में आया और ये जो ड्रेस कोड आपने तैयार किया इसके बारे में बताइए। ज़्यादातर जो है ना सारे हमारे जितने भी यार दोस्त हैं सब महाकाल जी के भक्त। सब महाकाल जी के भक्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर नाम भी हमने श्री महाकाल रसोई रखा है। उसके बाद ही आपने ड्रेस कोड तैयार किया। सब जितने भी टोटल टीम में कितने मेंबर है सर आपके? टोटल टीम में हमारे हैं करीब 40-45 लोग। 40-45 लोग दिन रात लगे रहते हैं? लगे रहते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसके पास जितना टाइम जैसे होता है वो आता है, ओके, वो अपना टाइम देता है, कोई ना कोई मतलब रहता है, कोई ना कोई रहता है, ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि ज़्यादा मात्रा में कॉल आया हो कि भाई हमें यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ भी ज़रूरत है, तो कभी किसी को ना तो नहीं करी आपने? हम तो इंतजार में रहते हैं। अच्छा, हम तो इंतजार में रहते हैं, दिल्ली में कहीं से भी कॉल आए हम नहीं जा पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं से वहाँ उनका खाने का इंतजाम हम करेंगे। कहीं ये कोई समय वो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ यहीं सेवा करूँगा, दिल्ली में किसी भी कोने पे कहीं से ही फोन आ जाए आपकी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। जगह जगह से योगदान भी आ रहा है और आपको प्यार भी मिल रहा है। आप भी तो लाएं योगदान, सामान लाए, छोटा सा योगदान है सर। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका और पेटीएम नंबर, अगर किसी को कुछ डोनेट करना हो तो कैसे वो कर सकता है? यही नंबर आपका पीछे से नंबर आ रहा है, पेटीएम नंबर भी, गूगल पे नंबर भी है? हाँ सर, यही। ठीक है, ठीक है, ठीक। ऐसा कोई बंदा मेरे ख्याल में बचा नहीं होगा सेकंड लेयर में भी और थर्ड में भी जिसके घर परिवार के अंदर या आस पड़ोस के अंदर कोई ना कोई मौत या दिक्कत। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ आपने देखी, मीडिया में भी देखा आपने, आपकी टीम ने भी देखा, तब भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, कोई नहीं, डर नहीं लगता हमें। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, सेकंड लेयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा मारे मारी थी, बिल्कुल थी, बड़े लेवल पे थी, और हमने 74 दिन, 2 महीना 14 दिन लगातार हमने खाना भेजा कोविड पेशेंट को। जैसा आपने सुना कि भाई साहब ने 3 साल लगातार सेवा करी हर एक परिवार में, गए जहाँ दिक्कत थी, तो पूरा सपोर्ट करें आप। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ भाई साहब का मैं, अगर आपने बात करनी है, कुछ क्लियर करना है या अगर कोई योगदान देना चाहता है तो ये पेटीएम नंबर भी सर यही है, गूगल पे नंबर भी यही है, सेम एक ही नंबर है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोई बंदा सेवा नहीं कर सकता दूर से वीडियो देख रहा है तो खाली इतना कर देना वीडियो को शेयर मारना, जिससे कि वीडियो आगे तक जाए, उन लोगों तक जाए जो लोग नहीं देख पा रहे, उन तक वीडियो जाए, भाई साहब के बारे में पता लगे, इनकी टीम के बारे में पता लगे कि कितने जिंदा दिली से ये काम कर रहे हैं, परिवार है इनका, बच्चे हैं इनके घर पे, बिना कुछ सोचे लगे हुए हैं दिन रात, सुबह का खाना अलग रात का अलग। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, साइड में देखिए आप किस तरीके से भारी मात्रा में खाना तैयार होता है। कोई बंदा मदद नहीं कर सकता, उसके पास बैलेंस नहीं है, तो छोटा सा एक काम करें, वीडियो को शेयर कर दे, इससे आगे बंदे का वीडियो जाए तो वो बंदे की अगर क्षमता होगी तो वो अपनी तरफ से जो भी योगदान है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये भाई साहब के पेटीएम पे वो कर सकते हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था ये जो शेयर जितने भी लोग करेंगे ना जी, ये भी महाकाल जी के दरबार में और हमारे काम के अंदर उनका योगदान होगा। क्या बात है सर, उनका योगदान होगा हमारे लिए, बहुत बढ़िया, जो भी शेयर करेंगे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंटी जी जगह की बात करें, ये भी आपकी अपनी जगह है? नहीं नहीं, हमारे मिलने वाले हैं, उनके सबने अपना अपना योगदान दे रखा है। हाँ हाँ, सबने दे रखा है, बहुत बढ़िया। जैसे अभी यहाँ ब्रांड पकौड़े बन रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे खाना भी यहीं तैयार होता है? हाँ, खाना भी, सब्जियाँ सारी यहीं पे, सब यही, सब। तो अलग से लेबर आपने बुलाते खाने के लिए या सब? नहीं नहीं नहीं, सब हम लोग खुद ही बनाते हैं। अच्छा, खुद ही बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, सिलेंडर की जरूरत पड़ जाए, हाँ, वो भी करेंगे, वो भी करोगे? जितना हम कर सकते होंगे बिल्कुल करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितना हम कर सकते हैं। दिल्ली का पूरा कोना आपने कवर कर रखा है, मना किसी को नहीं है? मना किसी को, बहुत बढ़िया, मना। पिछले कोविड के अंदर ये हमने 97 लोगों की अस्थियाँ भी सीमापुरी शमशान घाट है, वहाँ शंटी जी हैं, वहाँ पर जी 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 उन्होंने गोद ले रखा है,
तो वहाँ बहुत से लोग जो है ना वो बॉडी छोड़ छोड़ के गए, अस्थियाँ भी लेने नहीं आए। तो वहाँ से हमने बात करके 97 लोगों की अस्थियाँ थी जो उन्होंने हमें दी, वो हम ले जा, हमने ले जाके सबने गढ़गंगा जा।